हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको टू कलर से बहुत ही प्यारा सा इजी सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे 7 नंबर की नीडल्स का मैंने यहाँ पे यूज किया है। और ये देखिए, ये मेरे पास ये मल्टी कलर की चुन्नी है, तो इतनी चौड़ी चौड़ी मैंने चुन्नी की पट्टियाँ बनाई हैं। और एक ये मेरे पास है प्लेन है, तो दो कलर लगा के हम ये बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें फंदे डाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फंदे मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके के बताऊंगी आपको, बहुत ही इजी। ये देखिए, एक हम यहाँ पे ऐसे नोट लगा लेंगे, एक फंदा हमारा नोट से हो गया, ये देखिए। और ये देखिए, इस तरह से हम इसमें फंदे डाल लेंगे दो, ध्यान से देखिए, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह। देखिए, दो फंदे मैं इसमें और डालूँगी। पट्टी मेरी ये छोटी हो गई क्योंकि मैंने ज़्यादा बड़ी पट्टी नहीं ली थी। ये देखिए, एक फंदा हम इसमें और डाल लेंगे। ये देखिए, 18 फंदे फ्रेंड्स इसमें हमने डाल लिए हैं। 18 फंदे डालने के बाद देखिए, जब हम इस तरीके से फंदे डालते हैं, ये हमारी सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है, तो एक हम रो उतार लेंगे। और ये जो हमारा ये बचा हुआ है, ये छोटा सा पीस, इसको भी हम इसी के अंदर ऐसे लपेट लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। देखिए, पूरी रो हम इसी तरीके से बना के कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको यहाँ तक मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊँ। ये देखिए, लास्ट तक आ गई हूँ मैं, सारे फंदे हमने बना लिए। आप देखिए, ये हमारी सीधी साइड है, तो अब हम यहाँ से अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ऐसे लपेट लेंगे, एक फंदा हमारा यहाँ पे लपेटने से बढ़ गया, एक फंदा हमने बढ़ा लिया। दोनों साइड से हम इसको इसी तरीके से उल्टा उल्टा बनाएंगे। आप इसको सीधा सीधा भी बना सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। दोनों साइड से आप सीधा सीधा बनाओगे तब भी ये ऐसे ही बनेगा, और उल्टा उल्टा बनाओगे तब भी ऐसे ही बनेगा। मैं इसको उल्टा उल्टा बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने फ्रेंड्स इसमें 18 फंदे डाले हैं, तो मैं इसमें तीन तीन का पेयर बनाऊंगी, तीन तीन फंदे मैं पीछे छोड़ दूंगी। ये देखिए, एक, दो, तीन, तीन फंदे हमने पीछे छोड़ दिए, और हम यहीं से मुड़ जाएंगे। अगर आप बड़ा बनाओ तो आप चार चार का पेयर भी बना सकते हो, दो दो का पेयर भी बना सकते हो। ये देखिए, और ये पूरी रो हम इसी तरीके से, एक बार मैं आपको दिखा दूँ, ये दोनों साइड से हमने इसी तरीके से इसको बनाना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप साड़ी और चुन्नी से बनाओ, तो आप इसमें जॉइंट कैसे लगाओगे, ये देखिए, ऐसे दूसरी पट्टी लेंगे और हम इसको ऐसे रोल कर लेंगे। बहुत ही आराम से हमारा इसमें जॉइंट लग जाता है। ये बड़ा हुआ फंदा है, इसको हम दबा लेंगे, इसको भी हम बना देंगे। ये देखिए, फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम लपेटेंगे, दूसरा फंदा हमने यहाँ पे अपना बढ़ा लिया।
और ये नीचे तक हम इसी तरीके से बनाएंगे। तीन फंदे हमने पहले छोटे थे, तीन फंदे हम इस बार छोड़ देंगे। ये तीन पहले के हैं, तीन हमने एक दो तीन इस बार छोड़ दिए, छह फंदे हमने पीछे छोड़ दिए और दो फंदे हमने ऊपर बढ़ा लिए। इस साइड की रो में इसी तरीके से बना के कंप्लीट करूँ। ये देखिए ये बढ़ा हुआ फंदा भी हमने बना लिया है। ये देखिए दो फंदे हमने बढ़ा लिए हैं यहाँ पे। आप फिर से देखिए, ये हम ऐसे तीसरा फंदा हम ये बढ़ा देंगे और इसी तरीके से हम ये कली मैं फ्रेंड्स पूरी आपको बताऊंगी बिगनर्स को, ताकि कोई भी प्रॉब्लम बनाने में ना आए। ये देखिए तीन फंदे हम इस बार छोड़ देंगे। ये मैं थोड़े से फंदे पे आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको जितना भी अगर आपको ये बड़ा बनाना है तो बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। ये देखिए इस साइड से भी हमने बना लिया। अब ये देखिए ये फोर्थ वाला फंदा मैंने बढ़ा दिया, चार फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ गए। और फिर से ये तीन फंदे मैं छोड़ दूंगी, यहीं से हम मुड़ जाएंगे। ये फंदा बढ़ाने का बिल्कुल सबसे आसान तरीका है फ्रेंड्स। ये देखिए ऐसे लपेट लिया और फंदा हमारा बढ़ गया। ये पांचवा फंदा हमने बढ़ा लिया। इसके बाद हम एक फंदा और बढ़ाएंगे। ये देखिए ये तीन फंदे फिर से छोड़ दिए, पलट लेंगे। ये देखिए छठा फंदा मैं बढ़ा लूँगी, लपेट लिया मैंने, जॉइंट फिर से लगाएं। क्योंकि मेरे पास ये चुन्नी है फ्रेंड्स, तो ये छोटी पट्टियाँ हैं चुन्नी की। अगर आप साड़ी से बनाओगे तो साड़ी की बड़ी पट्टियाँ बनती हैं। ये देखिए ये छठा फंदा हमने बढ़ा लिया, थोड़ा सा पकड़ के रखिए जब तक ये जॉइंट अंदर चला जाए। तो देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये छः, लास्ट का फंदा हमने फिर से छोड़ दिया और हम यहीं से मुड़ जाएंगे। ये देखिए तीन 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 आपको अलग से दिखाई देंगे जो हमने फंदे छोड़े हैं। हाफ कली हमारी बन गई, फंदे हमने बढ़ा लिए। अब ये देखिए जितना भी अगर आपको बड़ा बनाना है आप इसी तरीके से फंदे बढ़ाइएगा। ये देखिए मान लो आपने 40 फंदे का बनाना है, काफ़ी बड़ा बनता है 40 फंदे का, तो 40 फंदे में आप चार चार फंदे छोड़िएगा और इस साइड में आप फंदे 10 फंदे बढ़ा लीजिए। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हम ये फंदे बढ़ा रहे थे अब घटाएंगे, तो ध्यान से देखिए थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें। दो फंदे में डाली मैंने नीडल, दो का एक कर दिया, छह फंदे थे बड़े हुए, अब हमारे पांच बच गए, एक दो तीन चार और पांच। ये तीन फंदे जो हमने छोड़े थे ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब तक हम फंदे छोड़ते आए थे, लेकिन अब ऊपर से हम नीचे की तरफ आएंगे। ये देखिए और यहीं से हम मुड़ जाएंगे।
जैसे हमने फंदे बढ़ाए थे उसी तरीके से हम फंदे घटाएंगे। ये देखिए शेप हमारी बननी स्टार्ट हो गई है। फिर से देखिए, दो का एक किया, ये हमने दूसरा फंदा घटा दिया। अब देखिए दो तीन चार फंदे हमारे ये बढ़े हुए हैं। ये तीन फंदे हमने पिछली बार ऐड किए थे, इनको भी हम बना लेंगे। तीन फंदे हम आगे से इसमें और ऐड करेंगे। और अगर आपको बीच में गैप लगे तो आप ऐसे गैपिंग ख़त्म करने के लिए दो एक फंदा उठाइए और ऐसे दो का एक कर दीजिए। ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिए हैं, एक फंदा घटा दिया। अब ये आगे के भी हम तीन फंदे इसमें ऐड कर लेंगे। हर बार आपने यहाँ से फंदे ऐड करने हैं और यहाँ से एक फंदा घटाना है। इस साइड की इस रो को मैं कंप्लीट करूँ। अब फिर देखिए फिर से मैं फंदा घटाऊँगी। ये देखिए, और जहाँ तक हमने फंदे बनाए थे वो सारे ही फंदे हम बना लेंगे। अब यहाँ पे मुझे गैप लग रहा है बीच में, तो ऐसे फंदा उठाएंगे और ये दो का एक कर देंगे। ये दो आगे की ओर बना लेंगे। ये देखिए एक दो, दो बार हमने और इसमें ऐड करने हैं। ये सारे फंदे मैं बना लूँगी। ये देखिए फिर से देखिए, ये पांचवा फंदा मैंने घटा दिया है और पूरी रो मैं इसी तरीके से बना के ये तीन फंदे और इसमें ऐड कर लूँगी। और इस साइड से भी मैं ये रो बना के कंप्लीट करके फिर मैं आगे का दिखाऊँ। ये देखिए लास्ट का फंदा, छठा फंदा हम ये घटा देंगे। अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और अठारह, अठारह ही फंदे मेरे पास अब बच गए हैं। छः फंदे बढ़ाए थे, छः फंदे हमने घटा लिए वापस। ये देखिए गैप के लिए मैंने फंदा उठाया और दो का एक कर दिया। ये देखिए पूरी एक कली हमारी बन के कंप्लीट हो गई। ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी उल्टी साइड, दोनों साइड से एक जैसा है। लेकिन देखिए ये जैसे हमने फंदे डाले थे तो इस साइड से हमने बढ़ाया था घटाया था, तो ये हमारी सीधी है। अब देखिए अगर आपको फ्रेंड्स ये एक कलर से बनाना है तो आप ऐसे ही इसी पट्टी को आप इस साइड लेके और फिर दूसरे कली की स्टार्टिंग कर दीजिए। मैं यहाँ से आपको एक कलर और लगाना बताऊँगी, तो वो हम कैसे लगाएँगे देखिए, यहीं से लगाएँगे इस साइड से। और ये जो कलर है ये देखिए, इसको आप ऐसे हम यहाँ से काट देंगे। अगर आप नहीं काटो तो अगली कली में आप इसकी इसको आप ले लीजिएगा। ये देखिए, और इनको हम ऐसे बैक साइड में दबा देंगे। ये देखिए, क्योंकि हम इसको बैक साइड से भी बहुत ही सफाई के साथ बनाएंगे। ये देखिए, और अब हम ये पूरी रो उतार लेंगे। आप इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हो।
देखिए जब भी आप कलर चेंज करो तो इस साइड से करना। ये देखिए अब फिर से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे दूसरी कली की। तो देखिए ऐसे ही हम लपेट लेंगे, लपेट लिया, एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया जैसे हमने नीचे किया था, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने बनाना है। ये देखिए और लास्ट में तीन फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। आठ कली में बनके कंप्लीट होगा फ्रेंड्स ये हमारा। चार कली हमारी इस कलर की बनेंगी, चार कली इस कलर की बनेंगी। ये देखिए एक दो तीन, तीन फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और हम यहीं से मुड़ जाएंगे। राइट साइड से इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये पूरी रो हम इसी तरीके से बना के हर बार की तरह कंप्लीट करेंगे। देखिए जितना भी आपने बड़ा बनाना है आप बड़ा बना लीजिए, छोटा बनाना है छोटा बना लीजिए। आप इसे वूल से भी बना सकते हो, मैक्रम से भी बना सकते हो और साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हो, कोई भी कपड़े की पट्टी से आप इसे बना सकते हो। ये देखिए और ये बड़ा हुआ फंदा भी हम बना लेंगे। जैसे हमने ये बनाई थी इसी तरीके से हम इसमें एक बार बढ़ाएंगे, पीछे फंदे छोड़ते जाएंगे और फिर हम ऊपर से जब घटाएंगे तो ऊपर से हम यहीं से तीन तीन फंदे ऐड करते हुए नीचे तक आ जाएंगे। तो हमारी कली जैसे ये बनी है ऐसे ही ये भी बन जाएगी। इसके बाद फिर आप ये वाला कलर लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, पूरा होने के बाद दिखाऊँगी आपको इसकी फाइनल लुक कैसी आई है। ये देखिए मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही सुंदर इसकी लुक है और बनाने में तो बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स आपको डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।